गाइस हम लोग अभी जो है पाया पटोत से होते हुए पटनटॉप आ रहे हैं और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू है जो आजकल नासी टनल के बनने के बाद से जो है क्लोज हो चुका है। तो हमने आज फैसला किया कि हम वाया नासी नहीं वाया पटनटॉप होते हुए वापस उधमपुर आते हैं। तो बहुत दिन के बाद आफ्टर सो लॉन्ग एक्चुअली आप कम हम यहाँ से आ रहे हैं और ब्यूटीफुल प्लेस पूरी पुरानी यादें आ रही हैं, ताज़ा ताज़ा हो रही हैं, है ना। कोई टाइम पर हम यहीं से जाया करते थे, हमारी बसेस यहीं से आती थी। अब तो कितना हरा भरा हो चुका है, कितना ग्रीन हो चुका है। ये होता है अगर पोल्यूशन नहीं हो तो ये रहता है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है और कितनी शेड है यहाँ पे, छाँव, खासतौर पर देवदार के पेड़ों की छाँव। और ये टैंकर्स जैसा आप देख रहे होंगे, टैंकर्स क्योंकि अलाउड नहीं है, टनल से अलाउड नहीं है, तो इसलिए टैंकर्स को क्या किया गया है, डाइवर्ट किया गया है इस रास्ते से ओनली टैंकर्स के लिए। तो ये टैंकर्स जो है टाइम टाइम चलते हैं और तो उसके बाद मोस्टली रास्ता खाली रहता है। सामने की पहाड़ियाँ देखिए, ब्यूटीफुल व्यूज है, ऐसी पहाड़ियों में रहने का मन करता है। वही है कि अब यहाँ पे फंसना मुश्किल है। अब यहाँ पर जो है नो मोर न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड, जो ऑलरेडी यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो विद परमिशन जो है कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू जो लैंड है खरीद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए वेट बिल्कुल करेंगे नहीं किसी का, बस तो चले जाएंगे। एक बार जब निकल पड़ते हैं ना तो बस ऐसा लगता है रोड इनकी हो चुकी है। एक साथ में लगभग थाउजेंड्स लगभग शायद टैंकर जो है छोड़ दिए जाते हैं, और बड़े बड़े कोई नॉर्मल साइज़ के भी होना तो चलता है, तो बड़े बड़े है ये काफ़ी। और अब छोटी गाड़ी वालों को है जो अपनी सेफ्टी को देखनी है, इनका क्या है ये कूड़ा मारेंगे और नुकसान आप भुगत रहेंगे, इनसे पंगा लेना आसान नहीं है। इनका क्या है, प्योर लोहा है, खरोज भी नहीं आएगी। मैंने आपको पता होगा एक बार मैंने एक आर्मी की एक ट्रक को ही मार दिया था, तो आर्मी ट्रक का खाली एक कहते ना वो प्लास्टिक का पार्ट जो था वो टूटा, और मेरी गाड़ी तो आपको पता ही है बिल्कुल आगे से उसका मेकअप हो गया था। यूजली हम लोग पटनटॉप के तक आते हैं, पटनटॉप के बाद यहाँ प्रेफर नहीं करते आना, क्या आते नहीं हैं यहाँ पर। पर मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जब आप पटनटॉप आ रहे हैं ना तो आप क्या करें, वाया नासी होते हुए यहाँ से एंट्री मारिए, यहाँ के व्यूज़ भी ले लीजिए, और वापसी करते वक्त जो है आप लोग फिर वो कुद और कुद वाला रास्ता चलने वाला रास्ता पकड़ते हुए निकल जाइए। तो एक आपका एक पूरा का पूरा जो ये आपका सर्कल है ना, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। नासी भी एक अच्छा व्यू रहता है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम अगर आना है तो नासी कैन बी अ वेरी गुड व्यू। और जैसा ये देखें आप बटोत वाला रास्ता, फॉर्चुनेटली आज हम लोग जब निकल रहे हैं तो टैंकर छोड़े गए हैं। टैंकर का कोई टाइमिंग होता है छोड़ने का, ऐसा नहीं कि डेली ही छोड़ते हैं, कुछ टाइमिंग होता है। तो मैं अभी इस टाइम इवनिंग में आ रहा हूँ तो देयर इज़ डिफरेंस, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में डिफरेंस है। इवनिंग टाइम पर आप जहाँ से जा रहे हैं तो चांसेस तो है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई टैंकर्स की रहेगी, चाहे डाउन हो चाहे अप हो। हाँ बेटा, चिकन को खा रहे थे, हो गए
गाड़ी से ही चिकन गिर गया, कौवे ने चिकन को खा लिया। गैस के टैंकर्स हैं और ये कसरोड़ का साग बेचते हुए, कसरोड़ है ये पहाड़ में खास किस्म का साग रहता है और यहीं ऐसी जगह लगता है जहाँ पे स्नोफॉल भी होती है और उसके बाद शेड्स रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ मिलता है। इस टाइम पर आपको इस रूट पर ना बहुत से बच्चे ये साग, कसरोड़ का साग जो है बेचते हुए दिखाई देंगे। और ये जो टाइम है स्पेशली अप्रैल और मई और अभी जून तक जो टाइम होता है, इसी टाइम पर आपको यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स लाइक खुबानी कह लीजिए इसको आप, और साड़ी कह लीजिए, साड़ू खुबानी, ऐसे फ्रूट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ आपको। ये बस बच्चे जो है घरों से ले के आते हैं और आपके आगे ये जस्ट वेव करेंगे कि आप खरीद लीजिए। ये लाइफ है बच्चों की पहाड़ों में, एजुकेशन के बाद फैमिली की इनकम में भी सपोर्ट करते हैं और टफ कंडीशन में पढ़ते हुए बच्चे जो है ये आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे आगे नहीं बढ़ते, बच्चे आगे बढ़ते हैं बट एक बहुत टफ कंडीशन में पढ़ाई करना है। आजकल तो स्कूल्स जो है काफ़ी आ चुके हैं, मतलब जगह जगह आपको स्कूल मिल जाएंगे कुछ डिस्टेंस पे, अगर आप सोचिए कि वो जमाना जब कई माइल्स तक की जो है इनको पैदल वॉक करना पड़ता था, आज भी करते हैं और स्कूल्स में जाना है ऑन द वे यू नो कुछ बेचना है, क्योंकि घर की भी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है। फार्मर्स हैं ठीक है, लेकिन आप जानते हैं हिली एरियाज है तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि पंजाब की तरह प्रोडक्शन होगा। अपनी जीविका अर्जित करने के लिए जितना खाया जा सकता है उतना ही ये उगा पाते हैं, उतना ही उगता भी है। मौसम तो जानते हैं यहाँ का, सर्दियाँ काफ़ी रहती हैं, ये जगह ऐसी जहाँ स्नोफॉल होती है। बेटा अभी गर्मियों में नहीं होती, पटनी टॉप में स्नोफॉल जो है सर्दियों में होती है। हाँ ये है कि दो दिन पहले जो थी वो बर्फ पड़ी है, पटनी टॉप में नहीं पड़ी है पर यहाँ पे डोडा भद्रवाह की पहाड़ियों पे हायर रिजेस पे और बनी की पहाड़ियों पे ये दो दिन पहले स्नोफॉल हो चुकी है, जिसकी वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हमने देखा था कि दो दिन काफ़ी सर्दी थी, आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ठंडा है। स्टेशन की तरह जो ये पटनी टॉप का हिल स्टेशन है ये काफ़ी काम है, काफ़ी पीस है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है। यूजली क्या होता है कि किसी जगह और जाते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट मिलेगी और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेटलमेंट थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी एकांत लगता है, काफ़ी कूल काम कोजी है ना, काफ़ी सही जगह है। बस ये जो ट्रक्स हैं टैंकर्स हैं कहीं ना कहीं आपको ये जरूर डिस्टर्ब कर रहे होंगे, तो जाते इनको भी चलना है। आप जानते हैं कि विदाउट फ्यूल, विदाउट फ्यूल आप गोइंग टू सर्वाइव।
कश्मीर वैली जो है आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक कटा हुआ रहता है, और ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर टैंकर्स के थ्रू ही जो है फ्यूलिंग पहुँचेगा, और कोई पाइपलाइंस तो है नहीं या रेलवेज का भी अभी तक है नहीं है, तो इसलिए टैंकर्स ही है। हाँ, जब ये कटरा और बनिहाल का जो रेल प्रोजेक्ट है पूरा हो जाएगा तो बहुत हद तक इस टैंकर्स का जो लोड है यहाँ से तो कम जाएगा। इट मे क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट एट द वन एंड, बट ऑल्सो इट कैन यू नो वेरी गुड फॉर इकोनॉमिकली, वेरी गुड फॉर द पीपल इन कश्मीर, क्योंकि सारे टैंकर्स जो होंगे वो ट्रेन में लोड होकर ट्रेन के साथ लगकर अटैच होकर जो है वो रिच श्रीनगर स्टेशन, और वहाँ से लोकल वे पे जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, तो कॉस्ट काफ़ी कट होगा, पेट्रोलियम का कैरेज कॉस्ट बड़ा कम होगा। अभी जितने भी गाड़ियाँ आप दिख रही आपको, ये सारी गाड़ियाँ जो है वो एक ट्रेन में लग कर चले जाएंगी, एक ही बार में ज़्यादा स्टे नहीं होना पता पड़ेगा, हम इन ड्राइवर्स का इस्तेमाल जो है इनका यूटिलाइजेशन जो है कहीं और कर पाएंगे जहाँ इनकी पेमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं अभी क्लोज करता हूँ। जब हम पटनी टॉप के साथ पहुँच लेंगे तो एट द टाइम जो है वो मैं फिर से रिस्टार्ट कर दूँगा, तब तक आप भी वेट कीजिए। सो हम पहुँचने वाले हैं पटनी टॉप के बिल्कुल क्लोज, अभी पहुँचने वाले हैं, तो बस ये है कि रास्ते में कोई चेंज नहीं है, वही सेम रास्ता, वही सेम ट्रक, टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स, वही सेम जंगल, वही खामोशी। से आप देख सकते हैं कि होटल्स जो हैं शुरू हो चुके हैं, या आउट साइड पटनी टॉप में होटल्स है ना, होटल ग्रीन लैंड करके है, थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट में है, यहाँ से ऊपर भी देखेंगे आप, एक ऊपरी होटल है इस तरह देखिए, और आगे ट्रक आ रहा है फुल, तो यहाँ से आपको ऊपर एक होटल दिखाया था। यहाँ पे स्टे करना बिल्कुल अलग होना है, मतलब बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, साफ खास तौर पर इवनिंग में जब ये सारी गाड़ियाँ बंद जाती चलना, उस टाइम पर यहाँ पर नाइट आउटिंग तो ज़बरदस्त होगी। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं पटनी टॉप के एंट्री गेट पे, बना सो एंट्री फीस जो है यहाँ पर पटनी टॉप में 35 रुपीज़ है, और हम पटनी टॉप के जो है दूसरे वाले नो गेट से सेकंड गेट से एंट्री कर रहे हैं, ये सेकंड गेट जो है आपका पटनी टॉप का ये मेन से थोड़ा अलग होता है, ये पटोत से जब आ रहे हैं तो वहाँ से होता है, मगर यहाँ पे जो व्यूज़ हैं थोड़े अलग होंगे, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, एक मीडो आएगा यहाँ पर, एक पिकनिक स्पॉट आएगा यहाँ पर, यहाँ पर रेलवे वालों का एक गेस्ट हाउस भी आता है, फिर ये रास्ता आपको सीधा जो है आगे नाग टेम्पल की तरफ जाएगा, और आप टर्न कर लेंगे बैक को तो आप जो है वो ओल्ड जो अपना जो मेन विडो है इसका विडो जो है मेन विडो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और इनफैक्ट यहाँ से भी आप चाहें तो उस मेन विडो के लिए पार्किंग करके ऊपर जा सकते हैं, कुछ स्कूल लगता है कितनी का आया पक्का बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पहुँच गए पटनी टॉप में, और पटनी टॉप तक की जर्नी थी मेरी आगे की नहीं आता, तो करता हूँ आपको बाय नेक्स्ट टाइम लेके नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल अगर अच्छा लगता है, व्यूज अच्छे लगते हैं मेरे चैनल्स के सारे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।